तो हेलो मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ यार कुछ इस टाइप का कलर ग्रेडिंग फेस स्मूद कॉन्सेप्ट ऑफ फोटो एडिटिंग। देन गाइस अगर आप लोगों को भी कुछ इस टाइप का एडिटिंग सीखना है तो देन गाइस वीडियो को फॉलो करना, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो फाइनली गाइस आज का वीडियो होने वाला है हमारा फोटो रूम के अंदर। देन गाइस आज का मैं आप लोगों को कम्प्लीटली फोटो एडिटिंग फोटो रूम के मदद से करके दिखाने वाला हूँ। तो देन गाइस जो हमारा वीडियो है देन जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फाइनली गाइस सबसे पहले जो हमारा मॉडल है देन उसको हम लोगों को अपना ऑटोडेस्क स्केचबुक के अंदर ऐड कर लेने हैं यार, क्योंकि देन गाइस सबसे पहले जो हमारा मॉडल का फेस है देन उसको हम लोग स्मूथ करेंगे। तो स्मूथ करने के लिए देन गाइस यहाँ हमें एक ब्रश का आवश्यकता पड़ेगा यार। तो देन इसके लिए हम लोग को जाना हो गया है ब्रश वाले ऑप्शन पे। ब्रश वाले ऑप्शन पे आ जाने के बाद देन गाइस यहाँ आप लोगों को ये वाला ब्रश ले लेना है। देन ओके गाइस, तो फाइनली गाइस मैं इसका सेटिंग भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो देन यहाँ हम लोग सेटिंग पे क्लिक कर लेंगे। सेटिंग आप लोगों को कुछ इस टाइप से रख लेना है गाइस। तो देन यहाँ आप लोगों को साइज को अपने फेस को अकॉर्डिंग बढ़ाते घटाते रहना है। देन दूसरा वाला को 3% रखना है, तीसरा वाला को 10%। देन लाइब्रेरी पे क्लिक करके आ जाएंगे बैक यार। देन अपना जो मॉडल उसको करेंगे कुछ इस टाइप से जूम। जूम कर लेने के बाद देन गाइस आप लोगों को हमेशा एक बात का ध्यान रखना है। देन गाइस आप लोग जब भी अपना मॉडल फेस को स्मूथ करते हो ना यार, तो देन आप लोगों का जो ब्रश का साइज है देन गाइस उसका आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा फिर बढ़ा कर रख के ही स्मूथ कर लेना है। तभी आप लोगों का जो फेस है ना गाइस एकदम प्रोफेशनल तरीके से स्मूथ हो जाएगा। तो आफ्टरऑल गाइस यहाँ देख ही सकते हो यार, मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ करके दिखा रहा हूँ गाइस एकदम प्रोफेशनल तरीके से फेस को स्मूथ। अगर गाइस अगर आप लोग फेस को सही तरीके से स्मूथ करना चाहते हो ना गाइस, तो आप लोगों का जो मॉडल लेना है उसको आप लोगों को कुछ इस टाइप से जूम कर लेना है गाइस। और जो आप लोगों का ब्रश का साइज है ना गाइस उसको आप लोगों को इंक्रीज करके कुछ इस टाइप से आप लोगों का जो फेस है ना गाइस उसको स्मूथ करना है। आफ्टरऑल गाइस उसके बाद जो आप लोगों का मॉडल है ना यार एकदम ही प्रोफेशनल तरीके से उसका फेस स्मूथ हो जाएगा ना गाइस। उसके बाद आप लोगों का जो ब्रश का निशान है भी ना गाइस, जो आप लोगों का सभी मेरे दोस्तों का दिक्कत रहता है जो ब्रश का निशान आ जाता है बोलते हैं, तो वो ब्रश का निशान कभी भी नहीं आएगा गाइस। अगर आप लोगों को जो अपना मॉडल का फेस है ना उसको कुछ इस टाइप से जूम करके और ब्रश का साइज को इंक्रीज करके करोगे ना गाइस, तो कभी भी नहीं आएगा यार। आप लोग चाहें तो उसको करके देख लेना गाइस, तभी अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना। देन ओके गाइस, तो देन गाइस मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही फेस स्मूथ और फोटो एडिटिंग लेके लाता ही रहता हूँ यार कुछ यूनिक तरीके से। देन गाइस फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते यार, तो देन गाइस चैनल पे नहीं हो तो भाई प्लीज सपोर्ट कर देना यार। देन गाइस सपोर्ट ही नहीं करोगे तो देन गाइस मैं आप लोगों के लिए वीडियो कहाँ से लाऊंगा यार। देन ओके गाइस, तो आफ्टरऑल गाइस जो हमारा फेस स्मूथ है ना देन उसको हम लोग यहाँ जल्दी से कर लेते हैं यार। देन ओके गाइस, अगर आप लोग इसको प्रोफेशनल तरीके से और फेस स्मूथ करना सीखना चाहते हैं तो देन गाइस इसके ऊपर मैं बहुत सारा वीडियो बना दिया हूँ यार, तो उस वीडियो का लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पे, तो आप लोग चाहें तो देखकर सीख सकते हैं। देन ओके गाइस, तो देन गाइस जो हमारा वीडियो है ना यार उसको हम लोग थोड़ा सा फास्ट कर लेंगे यार। तो देन इतना हो जाने के बाद देन गाइस यहाँ आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है यार। देन यहाँ आप लोगों को जाना होगा यहाँ ऊपर पे 3 डॉट है, देन इस पे जाने के बाद देन गाइस फाइनली शेयर वाले ऑप्शन पे जाके इस फोटो को कर लेना है यार आप लोगों को सेव। देन इसका हम लोग बाकी का एडिटिंग करेंगे गाइस अपना फोटो रूम के अंदर। फाइनली गाइस यहाँ देख सकते हो यार जो हमारा फोटो रूम है ओपन हो चुका है। ओपन हो जाने के बाद देन गाइस यहाँ आप लोगों को कुछ इस टाइप का इंटरफेस हो जाएगा यार। देन उसके बाद यहाँ आप लोगों को करना क्या है, यहाँ आप लोगों को कुछ इस टाइप का इंटरफेस हो जाएगा। तो देन यहाँ आप लोगों को स्टार्ट फ्रॉम फोटो पे क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद देन गाइस जो भी हमने अपना मॉडल का फेस स्मूथ किया था वो वाला पिक को हमें यहाँ ले लेना है। आफ्टरऑल उसके बाद जो आप लोगों का बैकग्राउंड है कुछ इस टाइप से रिमूव हो के आ जाएगा। देन ओके गाइस, तो देन गाइस यहाँ मेरा नेट थोड़ा स्लो है यार, तो यहाँ लोडिंग ले रहा है। देन ओके गाइस देख सकते हो आ चुका है। देन उसके बाद क्या करना है गाइस, आप लोगों को यहाँ शो हो रहा होगा यहाँ ब्लर वाला ऑप्शन। देन फाइनली आप लोगों को यहाँ ब्लर वाला ऑप्शन है ना गाइस उस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है यार। क्लिक कर लेने के बाद देन गाइस आप लोगों को कुछ इस टाइप का इंटरफेस हो जाएगा। देन इसके बाद यहाँ आप लोग को जाना है यार बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे। बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेने के बाद ना गाइस यहाँ आप लोगों को फिर से आ जाना है यार ब्लर वाले ऑप्शन पे, ठीक है। ब्लर वाले ऑप्शन पे आ जाने के बाद देन गाइस यहाँ पे आप लोगों को कुछ इस टाइप का इंटरफेस हो जाएगा यार। देन उसके बाद यहाँ आप लोगों को ये वाला ऑप्शन शो हो रहा होगा ना गाइस, देन इस पर क्लिक करके देन यहाँ आप लोगों को ये वाला को फुल कर लेना है, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से ब्लर को कर लेना गाइस। देन गाइस मैं यहाँ फुल करूंगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से हम लोग इसको कर लेंगे डन गाइस, ठीक है। डन कर लेने के बाद आफ्टरऑल आप लोगों को फिर से गाइस यहाँ कुछ इस टाइप का इंटरफेस हो जाएगा यार। देन उसके बाद यहाँ आप लोगों को फिर से बैकग्राउंड पे क्लिक कर लेना है। बैकग्राउंड पे क्लिक कर लेने के बाद ना गाइस आप लोगों को यहाँ नीचे आ जाना है यार। नीचे आ जाने के बाद देन यहाँ आप लोगों को शो हो रहा होगा एडजस्ट फाइनली, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद ना गाइस यहाँ आप लोगों को शो हो रहा होगा कुछ इस टाइप का ऑप्शन,
देन उसके बाद यहाँ आप लोग को हुई पे आना है, ठीक है गाइस। हुई पे आ जाने के बाद देन यहाँ आप लोग को हुई को अपने हिसाब से यहाँ एडजस्ट करके आप लोग जो भी कलर रखना चाहते हो ना गाइस, उस हिसाब से आप लोग अपना कलर चूज कर लेना, ठीक है। तो देन गाइस जो हमारा कलर रखना चाहते हैं हम लोग कुछ इस टाइप से यहाँ देख सकते हो, तो इसको हम लोग रखेंगे अपना 72% के आसपास गाइस। देन उसके बाद यहाँ आप लोग को शो हो रहा होगा सेचुरेशन, फाइनली इस पर क्लिक कर लेना है गाइस, इसको आप लोग को फुल कर लेना है, ठीक है। फुल कर लेने के बाद ना गाइस आप लोगों को कुछ इस टाइप का ऑप्शन शो होगा, देन उसके बाद आप लोग को ये वाला ऑप्शन है ना गाइस, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद इसको आप लोग को पूरा माइनस कर लेना है। उसके बाद जो आप लोगों को बैकग्राउंड है गाइस वो एकदम ही चमकने लगेगा और लाइट भी आ जाएगा और कितना औसम तरीके से लगने भी लगेगा। तो आप ट्रोल यहाँ आप लोग देख ही सकते हो गाइस। उसके बाद देन यहाँ से आप लोग को करना क्या, डन डन कर लेने के बाद गाइस उसके बाद यहाँ हमें कुछ पीएनजी ऐड करना है। पीएनजी ऐड करने के लिए देन यहाँ हमें जाना होगा यार अपना ये वाला ऑप्शन है, देन इस पर हम लोग क्लिक कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा गैलरी है शो हो जाएगा गाइस। उसके बाद जो हमारे पीएनजी है उनको हम लोग ऐड कर लेंगे। तो फाइनली गाइस आप लोगों को ये वाला पीएनजी को ऐड कर लेना है, ठीक है। ऐड कर लेने के बाद देन ना गाइस इसको आप लोगों को साइज को यहाँ डिक्रीज कर लेना है। उसके बाद यहाँ आप लोगों को अपने हिसाब से एडजस्ट करके लगा लेना है गाइस। ताटरोल हम लोग कुछ इस टाइप से लगा लेंगे। लगा लेने के बाद ना गाइस आप लोगों को यहाँ सबसे नीचे आना है, ठीक है। नीचे आ जाने के बाद यहाँ आप लोगों को शो होगा बैक, देन इस पर आप लोगों को फाइनली क्लिक कर लेना है। उसके बाद जो आप लोगों को मॉडल के नीचे चले जाएगा, देन उसके बाद आप लोगों को फिर से ऊपर के साइड आना है गाइस। ऊपर के साइड आने के बाद ना गाइस आप लोगों को फिर से जाना है यार एडजस्ट पे। एडजस्ट पे जाने के बाद ना गाइस आप लोगों को फिर से यहाँ कुछ टाइप का इंटरफेस हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ आप लोगों को हुई पे क्लिक कर लेके गाइस। उसके बाद इसको आप लोगों को अपने हिसाब से यहाँ मैचिंग कर लेना है। तो देन इसको हम लोग भी कुछ ही टाइप से यहाँ रख लेंगे अपना 71% के आसपास। देन उसके बाद यहाँ से हम लोग इसको कर लेंगे डन। डन कर लेने के बाद आफ्टर ऑल गाइस यहाँ देख सकते हो हमारा पिक कितना औसम तरीके से लग रहा है। देन उसके बाद क्या करना है गाइस, जो हमारा टेक्स्ट का पीएनजी है देन इसको हम लोग फिर से अपने ये वाला ऑप्शन है ना गाइस उस पर क्लिक करके देन फाइनली कर लेंगे ऐड। तो इसमें जितने भी पीएनजी मटेरियल यूज होंगे ना गाइस उस सब का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आफ्टर ऑल गाइस यहाँ देख सकते हो जो हमारा पीएनजी है कटआउट होकर आ चुका है। देन उसके बाद ना गाइस इसको हम लोग ऊपर पे कुछ इस टाइप से लगा लेंगे यार। लगा लेने के बाद आफ्टरऑल उसके बाद हमारा पिक देख सकते हो कितना औसम तरीके से लग रहा है गाइस। क्या करना है यहाँ, कुछ भी नहीं करना है गाइस। फोटो का यहाँ आप लोगों को शेयर वाला ऑप्शन है ना, देन इस पर क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। और जो हमारा यहाँ फेस पे लाइट एडजस्टमेंट करेंगे गाइस थोड़ा सा हम लोग अपना लाइट रूम पे, तो देन गाइस जो हमारा ये पिक है ना देन इसको हम लोग को लेके जाना है अपना लाइट रूम के अंदर यार। सो गाइस यहाँ देख सकते हो यार जो हमारा मॉडल देन उसको हमने अपना लाइट रूम में ऐड कर लिया है। देन गाइस हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा जाना है कलर वाला ऑप्शन पे। जो उसके बाद देन गाइस आप लोगों को यहाँ शो हो रहा होगा मिक्सर टूल, देन उस पर क्लिक कर लेना है यार। फर्स्ट वाला कलर का लुमिनेंस इंक्रीज करना है, सेचुरेशन डिक्रीज करना है। दूसरा वाला कलर है देन उसका लुमिनेंस इंक्रीज करना है, सेचुरेशन डिक्रीज कर लेना है। आप लोग अपने हिसाब से कर लेना गाइस। तो आप ट्रोल उसके बाद जो आप लोगों का फेस कुछ इस टाइप से देखने लगेगा। देन आप ट्रोल यहाँ देख सकते हो गाइस जो हमारा पीक है कितना औसम तरीके से लग रहा है यार। देन उसके बाद क्या करना है, आप लोगों का जो बैकग्राउंड है उस हिसाब से यहाँ कलर चूज करना है, यहाँ देख सकते हो। तो देन हम लोग यहाँ चूज कर लेंगे गाइस, सेचुरेशन इंक्रीज कर लेंगे ट्रोलिंग। उसके बाद जो हमारा बैकग्राउंड है ना गाइस शर्ट पे कुछ इस टाइप से चमक आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है गाइस, इसको कर लेना है डन। डन कर लेने के बाद ना गाइस आप लोगों को यहाँ जाना है यार अपना डिटेल वाले ऑप्शन पे, यहाँ शार्पनेस को यहाँ बढ़ा लेना है गाइस। उसके बाद फाइनली कुछ भी नहीं करना है, फोटो को यहाँ आप लोगों को शेयर वाला ऑप्शन है ना गाइस, शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके फोटो को कर लेना है सेव गाइस। देन इस फोटो को लेके जाना है अब हम लोग को अपना पिक्सआर्ट के अंदर। सो गाइस यहाँ देख सकते हो यार जो हमारा पिक है देन उसको हम लोगों ने अपना पिक्सआर्ट के अंदर ऐड कर लिया है। ऐड कर लेने के बाद ना गाइस यहाँ आप लोगों को सीधा सीधा जाना है यार इफेक्टेड टूल पे। इफेक्टेड टूल पे जाने के बाद ना गाइस यहाँ आप लोगों को कुछ इस टाइप का इंटरफेस हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ आप लोगों को कलर रिप्लेस पे क्लिक कर लेना है गाइस। उसके बाद जो आप लोगों का बैकग्राउंड है उस पर कुछ इस टाइप से छोड़ देना है। देन आफ्टर ऑल आप लोगों का जो यहाँ रिप्लेस हुई है उसको आप लोगों को कुछ इस टाइप से चेंज कर लेना है। तो आफ्टर ऑल गाइस यहाँ देख सकते हो और मैंने आप लोगों को जैसे ही बोला था उस टाइप से आप लोगों को सेम टू सेम यहाँ एडिट करके दिखा दिया हूँ। देन ओके गाइस, अगर गाइस आप लोगों को ऐसे ही वीडियो देखना है देन गाइस अगर चैनल पर नहीं होते यार अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। आफ्टर ऑल जब भी आप लोग का भाई आप लोगों के लिए कुछ इस टाइप का वीडियो लेके आए तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देन गाइस यहाँ देख सकते हो जो हमारा पिक है यार कितना ही औसम तरीके से एडिट हो चुका है। तो इन गाइस तो देन गाइस मिलते हैं यार ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। देन ओके गाइस, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद दोस्तों।